नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन, आज अफलम तो मिठाई बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप दूध, 1/2 कप सूजी, बारीक मोटी कोई सी भी ले सकते हो, मैंने बारीक लिए, मिक्सी में पीस लिए, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप मावा, 1/2 कप चीनी, 1/2 कप घी, 1 टेबल स्पून बादाम, ये गार्निश के लिए है, 1 टेबल स्पून पिस्ता, इसे मैंने बारीक कर लिया है, 8 से 10 काजू है, 8 से 10 बादाम, इन्हें भी बारीक कर लिया है, 4 से 5 इलायची पाउडर है, इसे पाउडर में कर लिया मैंने। अब सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल देंगे और घी को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब एक बाउल में चीनी डाल लेंगे, 2 चम्मच करीबन चीनी रहने देंगे इसमें ही, और मिल्क पाउडर दोनों को मिक्स कर लेंगे। और इसे साइड में रख देंगे। घी गरम हो गया है, अब इसमें हम सूजी डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पर सेकेंगे। इस तरह से कलर हो जाएगा। सूजी सिक गई है, गैस धीमी है, अब इसमें जो हमने 2 चम्मच चीनी रखी थी उसे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे, चीनी को गलने देंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस हमें मीडियम ही रखनी है, हाई नहीं करनी है। अब गैस सिम कर देंगे और ये मिल्क पाउडर और चीनी को डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम दूध डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस मीडियम रखेंगे। अब इसमें मावा डाल देंगे साथ में काजू, बादाम और पिस्ता, और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे अब गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। अब इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक हमारे कढ़ाई में से घी छूटेगा नहीं, तब तक हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। हमें इसे इस तरह से सेक लेंगे, ये कलर आ जाए तब तक हमें इसे सेकना है, तो इसे सेकने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गए हैं। अब इसे इलायची पाउडर डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। मैंने ट्रे ली है, इस पे घी लगा दिया है, ऐसे में डाल देंगे और इसे हम जमा देंगे, इस तरह से जमा देंगे। ये अच्छी तरह जमा दी है, अब इसे बादाम की गार्निश कर देंगे। और इसे अच्छी तरह दबा देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये ठंडी हो गई है, इसमें मैंने कट लगा दिए हैं, इस तरह से लगा दिए हैं। अब चाहो तो आप इसमें से 1 कट और लगा सकते हो और चाहो तो लंबी रहने देते हैं, तो मैं 1 कट और लगा देती हूँ। ये अच्छे से सेट हो गई है, अब इसके हम पीस निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी मिठाई बनी है, ये हमारी अफलम तुम मिठाई बनके तैयार हो गई है, अब इसे आप भी ट्राई कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।